हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सब लोग आप देख रहे हो मंसूरी क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पेरीसाइक्लिक स्टार्ट कर दी थी और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को पढ़ा जाता है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं, वो सभी बातें मैंने आपको कल बता दी थी। और वहाँ पर हम लोगों ने पेरीसाइक्लिक के क्लासिफिकेशन में चार टाइप देखे थे हम लोगों ने। सबसे पहला इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सेकेंड हम लोगों ने साइक्लो एडिशन देखा था, थर्ड हम लोगों ने सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट देखा था, फोर हम लोगों ने उसके अलावा ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक और साइक्लो एडिशन की बेसिक इंट्रो मैंने आप लोगों को वहीं पर बता दिया है। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हम लोग सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। अब देखो, बात की जाए सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा ट्रोपिक को 90% यहीं से कंप्लीट कर लेंगे। सही बात है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट वाला मतलब लास्ट वाला लेक्चर ना देखा है तो पहले जाके आप लोग उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि वो लेक्चर आप लोग देखोगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। तो आज के इस लेक्चर से हम बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सो प्लीज़ आप सब लोग नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए और डाल दीजिए सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन या सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सही है, चलो डाल दीजिए सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। ओके, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, सभी बात अपने को समझनी है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट की बात हम लोगों को डिस्कस करनी है कि क्या सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है या क्या सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होती है। सही है, एक एक बात समझना है, नोट यहीं से बनाते रहना आप सब लोग। सही, अब देखो सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन या रीअरेंजमेंट क्या होता है कि इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होता है पाई बॉन्ड के ऊपर से। मैंने क्या बोला, लेट सपोज ये कोई आपका होल मॉलिक्यूल बना हुआ है और यहां पे कोई सिग्मा बॉन्ड लगा हुआ है, तो होगा क्या, ये सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करेगा इस तरफ और यहां के जो पाई बॉन्ड होते हैं, जो पाई फ्रेमवर्क होता है, ये इस तरफ माइग्रेट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन के लिए क्या बोलते हो, ये बोलते हैं कि इन सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन वन सिग्मा बॉन्ड इज माइग्रेट फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम, की एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम पर क्या होता है, ग्रुप का माइग्रेशन होता है पाई फ्रेमवर्क के ऊपर होता है। क्या कहानी होती है जरा आप लोग समझिएगा। मान लीजिए यहां पर कोई एक कार्बन लगा हुआ है, यहां पे भी कार्बन लगा हुआ है और यह आपका पाई फ्रेमवर्क है और यहां पे बहुत सारे पाई बॉन्ड अपने को नहीं पता और यहां पे मैंने लगा दिया एक ग्रुप। हाँ ना, बोलो बेटा जी। सही है, अब होगा क्या, यहां पर बेसिकली क्या होता है, जब इसको थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन दी जाएगी, थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन दी जाएगी, तो होता क्या है कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से बंधा हुआ ग्रुप जो लगा हुआ है, कार्बन की वैलेंस बिल्कुल भी चेक मत कर लेना क्योंकि कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहां पर अभी नहीं आएगी। तो ये ग्रुप क्या करता है, ये राइट डायरेक्शन में माइग्रेट करता है और ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप क्या होता है, माइग्रेट फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम विद इन द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ जो ग्रुप होता है वो अपनी स्थिति को चेंज करता है, ये क्या कहलाती है, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट कहलाता है। जरा देखिएगा आप सब लोग, क्या बनेगा, यही तो बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहां पे ये M लगा हुआ है और यहां पे ये कार्बन बना हुआ है और ये ग्रुप यहां पे लग गया। हां ना, बोलो बेटा जी। तो आप लोगों को क्या पता लगा कि यहां पर पाई बॉन्ड तो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं और सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो ग्रुप होता है वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, इसको कहा जाता है सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्या कहा जाता है बेटा जी, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट कहा जाता है। ये कहानी होती है सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट की। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप लोग ये बोल सकते हो कि इट इन्वॉल्व्स लिख सकते हैं साथ साथ में, इट इन्वॉल्व्स माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप फ्रॉम
वन कार्बन एटम टू, वन कार्बन एटम टू अनादर, हाँ ना बोलो बेटा जी। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है कि हम लोग क्या देखते हैं, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट के अंदर माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप होता है एक कार्बन एटम से दूसरे एटम की ओर, सही है, या आप लोग अंडर ये भी लिख सकते हो, अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन। अंडर थर्मल के लिए ये त्रिभुज ट्राइंगल लगाते हैं हम लोग, थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन, मतलब थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप क्या करता है, माइग्रेट करता है, हाँ ना बोलो बेटा जी, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इट इन्वॉल्व्स माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप, माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप अराउंड द, या मैं आप लोग इसे बोल सकते हो कि पाई फ्रेमवर्क के ऊपर से क्या होता है कि सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप का माइग्रेशन होता है। ये कहानी आप लोगों को समझ में आती है। अब इसको और आगे सिंपल करने के लिए मैं बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ। देखिएगा दोस्तों, मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जरा आप लोग समझना बेटा जी, सही है। देखो बहुत आसान है, चीज़ों को समझना है और फील करना है, सही है। लेट सपोज ये यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है और ये ग्रुप इस कार्बन से अटैच है और ये आगे कुछ इस तरीके से बना हुआ है, हाँ ना बोलो बेटा जी। अब इसकी वैलेंसी हम लोग पूरी कर देते हैं, इसकी वैलेंसी हम लोग पूरी कर देते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करना, करेक्ट। अब देखो होता क्या है, जब आप लोग इस वाले कार्बन एटम को देखोगे, मतलब जिस कार्बन एटम से ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन एटम को आप लोग देखोगे तो आपको क्या पता लगेगा, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। क्योंकि आप लोग जानते हो, अगर जब लगातार चार सिग्मा बॉन्ड आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। लेकिन आप लोग इस कार्बन एटम को देखोगे तो ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो होता क्या है, यहां से ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो मैंने इसको क्या दे दिया, एक और एक नंबर दे दिया। समझने की कोशिश करना बेटा, सही है, समझने की कोशिश करना। अब जहां पे बॉन्ड बनता है, जिस एटम पर बॉन्ड बनता है, वहां तक हम लोग नंबरिंग देके जाते हैं, 2 और 3, हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों। तो होगा क्या, दरअसल यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये वाला ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करता है, ये वाला ग्रुप माइग्रेट होता है इस कार्बन एटम के ऊपर और ये पाई फ्रेमवर्क इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे, जब इसको हम लोगों ने थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी तो यहाँ पर क्या हुआ है, 1-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, क्या हुआ बेटा जी, 1-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, 1-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट यहां पर हुआ है, हाँ ना बोलो बेटा जी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1N, देखो यहां पे नंबर N मान लीजिए भाई, किसी पे भी शिफ्ट हो सकता है, 1N सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, 1N सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट की कहानी होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या। अब मेरे को एक बात बता दीजिए, जब ये वाला ग्रुप उठ के यहां पे चला गया और ये वाला बॉन्ड इधर आ गया तो क्या ये बनेगा क्या दोस्तों, जरा बता दो ना मेरे भाई, यही तो बनेगा यार, यही तो बनेगा ना दोस्तों, यही तो बनेगा। तो आप लोगों को पता क्या लगा, पाई बॉन्ड तो लेफ्ट डायरेक्शन में आ गए और जो ग्रुप लगा हुआ था वो राइट डायरेक्शन में चला गया। तो आप यही तो कहते हो कि यहां पर सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप का माइग्रेशन होता है पाई फ्रेमवर्क के ऊपर की ओर, हाँ ना बोलो बेटा जी। जैसे ही माइग्रेशन कंप्लीट हुआ है तो आप लोग देखोगे ये वाला कार्बन तुरंत क्या बन जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला कार्बन एटम क्या बन जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाँ ना बोलो बेटा जी। ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई क्या, बहुत आसान है, कुछ टिपिकल मामला तो है नहीं। बेसिकली क्या होता है कि सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप एक नंबर कार्बन एटम से जहां पर उसका माइग्रेशन होना है वहां तक माइग्रेशन होगा, बशर्ते पाई बॉन्ड का भी फ्रेमवर्क वहां पर मौजूद होना चाहिए। अब नंबर कैसे दिया जाता है कि जो बॉन्ड यहां से माइग्रेट करता है, मतलब जो ग्रुप माइग्रेट करता है उसको और उसके पास वाले कार्बन को एक नंबर दिया जाता है, और जहां तक वो माइग्रेट करेगा, जिस कार्बन एटम तक माइग्रेट करेगा वहां तक नंबर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और उसी के आधार पर कहा जाता है कि नंबर 1 से माइग्रेशन हो रहा है, नंबर 3 पर हो रहा है, तो 1-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट कहा जाता है। sp3 कार्बन एटम sp2 में कन्वर्ट हो गया और sp2 कार्बन एटम sp3 में कन्वर्ट हो गया। यह कहानी होती है सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट की। अब मुद्दे वाली बात यह है कि मान लीजिए यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आ गया, दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ग्रुप माइग्रेट करे sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पर, तब क्या खेल बनता है, उस खेल को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा आप सब लोग इधर, मान लीजिए मेरे दोस्तों
ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपका कार्बन एटम और इस पर ये ग्रुप लगा हुआ है और ये कार्बन और ये लगा हुआ इस तरीके से। तो जरा आप लोग देखकर बताना जी, ये वाला जो कार्बन एटम है इस पे क्या sp हाइब्रिडाइजेशन है? आप लोग कहोगे यस यस, क्यों, यहां पे दो सिग्मा बॉन्ड है, सही है। चलो ये वाला कार्बन एटम आप लोग क्या बोलोगे, सर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हाँ ना, बोलो बेटा जी, आप लोगों को पता है कि ये ग्रुप माइग्रेट होगा तो इसको मैंने एक नंबर और एक नंबर नाम दे दिया। जहां तक माइग्रेट होगा नंबरिंग हम देते जाते हैं, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स लेके इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके यहां पर चले जाएंगे। तो मेरे को बता देना यार क्या होगा, वही सेम कहानी। अरे वही सेम कहानी, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो बेटा जी सरा, ये कार्बन और यहां से अभी भी ये कार्बन बना हुआ है, यहां पे ये ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे ये बना हुआ है। हाँ ना, बोलो बेटा जी, तो जरा देख के बता दो ना यार, ये भी कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है sp2 और ये भी कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है sp2। हाँ ना, बोलो बेटा जी, जब sp कार्बन पर सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप माइग्रेट करता है तो वो sp2 में कन्वर्ट हो जाता है, वो sp2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको कहा जाता है अलीन। क्या कहा जाता है बेटा जी? एलीन कहा जाता है। अब आप लोगों को इतनी बात तो पता है ना यार कि ये सारा जो काम हो रहा है एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। और एग्जांपल को टॉपिक में फिनिशिंग लाने के लिए एक एग्जांपल में और सेट करता हूं आपके सामने, तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। एक बार देख लेता हूं आपको बोर्ड दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, चलो अपना काम हो जाएगा, ध्यान देना दोस्तों। मैं यहां पे एक और एक एग्जांपल सेट करता हूं, यहां पे मैंने एक ग्रुप लगा दिया, देखना जी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सही है। चलो और यहां पे मैंने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरीके से लगा दिए, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मैंने 1 2 3 4 यहां पे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन आ जाएगा, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन आ जाएगा। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पाई फ्रेमवर्क लगा हुआ है और सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप भी आप लोगों को नजर आ रहा है। तो होगा क्या, जहां से ये माइग्रेट करता है 1 और उसको 1 देते हैं और आगे कंटिन्यूसली नंबर देते चले जाते हैं। तो जरा ध्यान दो दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या होगा, ये वाला ग्रुप नंबर 5 पर माइग्रेट करेगा, ये पाई फ्रेमवर्क इधर शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, और जैसे शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे तो मुझे जरा बता दीजिए यहां पर क्या हुआ है, थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन दी मैंने, और थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन देने के बाद में यहां पर क्या हुआ है बेटा जी, आप लोग बोलोगे 1 5 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट यहां पर हुआ है। सर क्या हुआ है, 1 5 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट यहां पर हुआ है। तो यहां से क्या नजर आता है आप लोगों को, यहां से यही तो नजर आया मेरे दोस्तों, ये कार्बन बन गया, जरा देखो ये कार्बन है, ये CH है, ये सिंगल बॉन्ड CH है, ये डबल बॉन्ड CH है, और ये सिंगल बॉन्ड ये ऐसे लगा हुआ है। कार्बन की वैलेंसी आप चेक कर लेना बेटा जी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये कहानी होती है 1 5 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट की। जरा बता दीजिए आप लोगों को ये कमाल कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये बेसिकली कहानी मैंने बता दी है सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट में क्या कॉन्सेप्ट सीखने को हम लोगों को मिलता है। बहुत आसान तरीका है, कुछ टिपिकल मामला है नहीं, बेसिक सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग अप्लाई किए हैं, माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप किया है फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनादर कार्बन एटम, यस और नॉट, जो माइग्रेशन हो रहा है जिस नंबर पर हो रहा है और जिस पर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नंबर दिया जाता है। यू कैन से 1 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, यू कैन से 1 5 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, यू कैन से 1 7 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा टॉपिक है काफी, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ओके, मैं आप लोगों को मतलब इसकी एक साइक्लिक टीएस बना के भी सिखा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल ना रहे। हाँ ना, बोलो बेटा जी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल ना रहे। जरा देख लो ध्यान से, अब जैसे ये वाले एग्जांपल को ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो छोड़ो भाई, देखो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक साइक्लिक टीएस बनती है और साइक्लिक टीएस बनने के बाद में, चलो इधर देख लो, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना यार, तो कंफ्यूज उनको क्यों होने देवे हम, कंफ्यूज बिल्कुल होना ही नहीं है, यहाँ पर सब कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ पर सब कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ पर सब कुछ सीखने को मिलेगा। ये वाला कार्बन, इस पे ग्रुप लगा हुआ है, वैलेंसी को छोड़ दीजिए, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो होगा क्या, यहाँ पर देखो बेटा जी, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए
हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स लेके ग्रुप यहाँ शिफ्ट हुआ है, बेसिकली यही तो हुआ है। और यहाँ पे साइक्लिक ट्रेस कुछ इस तरीके से बनती है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, और ये वाला बॉन्ड एक तो ऑलरेडी है और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है, कार्बन टूट रहा है, कार्बन बन रहा है। फाइनली क्या होता है, जो टूट रहा होता है वो टूट जाएगा, जो बन रहा होता है वो बन जाएगा। हाँ ना बोलो बेटा जी, कुछ इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है। ये सिग्मा ट्रॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया क्या बेटा जी? आराम से लेक्चर को देख सकते हो, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को एक सिंगल डाउट ना आए। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि जब तक आप लोग हमें नहीं बताओगे कि आपके डाउट्स क्या है तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं सामने वाले को समझ में भी आ रहा है या फिर नहीं समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के टाइप्स को हम लोग डिस्कस करते हैं और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी होती है वो होती है 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन या 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सही है? और मान के चलिए कॉम्पिटिशन एग्जाम में 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक से सवाल बन जाएगा, ओके? कॉम्पिटिशन में 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक से सवाल बन जाएगा और 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, बिल्कुल आप परेशान ना हो। बट लेक्चर को आप देखते रहो, मुस्कुराकर लेक्चर को देखते रहो, बोरिंग लेक्चर को मत बनाओ, अच्छे से एकांत में होकर लेक्चर को आप लोग देखिए, सही है? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात कर ली जाए या सिंपल हम लोग किसकी बात कर ले, एमएससी वाले सिलेबस की बात कर ले, तो यहां से सवाल बन जाता है। तो देखो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की कहानी क्या होती है, बेसिकली हम लोग इसके अंदर तीन टाइप की केमिकल रिएक्शन देखते हैं। एक तो कोप रीअरेंजमेंट होता है, एक होता है ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट, एक होता है एजा कोप रीअरेंजमेंट और एक होता है क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। बट हम लोग यहां पर क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक तो हम डिस्कस करेंगे कोप रीअरेंजमेंट, एक हम डिस्कस करेंगे क्लेसन कोप रीअरेंजमेंट, एक हम लोग डिस्कस करेंगे एजा कोप रीअरेंजमेंट। तो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट से मतलब क्या होता है जरा समझ लीजिएगा, मैं एक साथ ही आपको समझा देता हूं ना, मैं एक साथ ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग ध्यान दे लो बेटा जी, सही है? चलो या अलग अलग बता देते भाई, इसके अंदर जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं उसका नाम है कोप रीअरेंजमेंट। तीन रीअरेंजमेंट देखेंगे, उसमें पहली कौन सी है बेटा जी, कोप रीअरेंजमेंट। देखो ध्यान से समझना है, कोप रीअरेंजमेंट आपको समझ में आ जाएगा तो मान के चलिए दोस्तों आप लोगों को एजा कोप भी आ जाएगा, क्लेसन कोप रीअरेंजमेंट भी समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहला पॉइंट जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना बना के पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो कोप रीअरेंजमेंट होता है वो 1,5 डाइईन के द्वारा ऑब्जर्व होता है या 1,5 डाइईन कोप रीअरेंजमेंट देता है। पहली बात आपको समझ में आती है, कोप रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच का बॉन्ड तो ब्रेक होता है और कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच का बॉन्ड फॉर्म होता है। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग कितने नंबर कार्बन एटम की, 3 और 4 के बीच में बॉन्ड टूटेगा और 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा, सुनते चलो। उसके बाद में ये 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल होता है, ये एक थर्मली अलाउड रीअरेंजमेंट होता है। तो जरा आप लोग ध्यान दे लो भाई, एक एक बात आप लोग समझ लो। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि कोप रीअरेंजमेंट, नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ में, कोप रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व इन 1,5-डाइईन। दोस्तों 1,5-डाइईन क्या होता है, ये होता है 1,5-डाइईन, इसका ये आयुपेक नोमेनक्लेचर है, सही है? मतलब देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसको कहा जाता है 1,5-डाइईन। नेक्स्ट, जो कोप रीअरेंजमेंट होता है, इज थर्मली अलाउड
लिख देते बेटा जी, इज थर्मली अलाउड, हीट देनी पड़ती है, यस और नॉट, इज थर्मली अलाउड, सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, को प्री अरेंजमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सही है, बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट, इन कोप रीअरेंजमेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, यस और नॉट, मतलब कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन कार्बन 1 एंड कार्बन 6, इन बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 6। क्या पता लगा कि कार्बन 3 और 4 के बीच वाला बॉन्ड तोड़ना है और 1 और 6 के बीच में आप लोगों को बॉन्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा जी, एकदम सिंपल केमिकल रिएक्शन है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल केमिकल रिएक्शन है, एक बार पढ़ने में ही आपको याद हो जाएगी। देखो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपका 1,5-डाइईन हो गया, हाँ ना बोलो बेटा जी, करेक्ट, इसको आपने क्या बोल दिया, 1,5-डाइईन बोल दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इस 1,5-डाइईन में आयुपेक के अकॉर्डिंग में नाम देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यस और नॉट, आई बात समझ में। देखो कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच आप लोगों को बॉन्ड तोड़ना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थर्मली अलाउड होती है, क्या होती है बेटा जी, थर्मली अलाउड होती है, और यहां पे क्या होता है, 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। कैसे 3-3 नाम कैसे मिला है जरा समझने की कोशिश करना। जिस कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है उसको मैंने नंबर दे दिया 1 और 1, ऊपर वाले की तरह, जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहां तक हम लोग नंबर देते चले जाते हैं, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, 3 और 3 के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, दैट्स व्हाई यू कैन से इट इज द एग्जांपल ऑफ 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। यहां पे क्या होगा, यहां पर ये होगा कि ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आएगा, तो बेसिकली यहां पे क्या होता है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जरा देखो, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, वेरी गुड, जबकि ये वाला बॉन्ड यहां पे बन रहा है, ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा है, टूट रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, एक बॉन्ड तो है और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, रेड से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, जो बन रहा है, सही है, और इधर से येलो, तो ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा है, टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा जी, टूट रहा है, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है, तो ये आपने क्या बना दी, ये आपने बना दी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, क्या बना दी बेटा जी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपने बना दी। लास्ट में क्या होगा, जो बॉन्ड टूट रहा है वो टूट जाएगा और जो बॉन्ड बन रहा है वो बन जाएगा, हाँ ना बोलो बेटा जी, तो ये भी अपने को क्या मिल गई, 1,5-डाइईन मिल गई। अब एक छोटी सी बात यहां समझने की है, देखो बेटा जी, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, इसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर दूं, देखो एक्सप्लेन करने के लिए बढ़िया, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, रेड से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड क्या यहां पर आ गया क्या, जल्दी बोलो बेटा जी, और ये पाई बॉन्ड इधर थे राइट डायरेक्शन में, क्या लेफ्ट की तरफ आ गए क्या, तो सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट में आप लोग यही तो बोलते हो कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं, ये एग्जांपल होता है कोप रीअरेंजमेंट का। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई क्या।
जल्दी बोलो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? छोटे छोटे चार पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए, एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो ये फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग डालते हैं क्लेजन कॉप रीअरेंजमेंट। क्या डालते बेटा जी? क्लेजन कॉप रीअरेंजमेंट। बहुत ही बढ़िया तरीके से बोर्ड पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सही है? एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि जो कोप रीअरेंजमेंट होता है वो बेसिकली 1,5-diene में ऑब्जर्व होता है। ये रिएक्शन थर्मली अलाउड होती है। इस रिएक्शन के अंदर कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और उसके अलावा इट इज द एग्जाम्पल ऑफ 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सही है? चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं भाई क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। क्या देखते हैं बेटा जी? क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। अब जिसको कोप समझ में आ गया ना यार, उसको क्लेजन कोप भी समझ में आएगा और उसको एजा कोप भी समझ में आ जाएगा। क्लेजन कोप भी समझ में आ जाएगा, एजा कोप भी समझ में आ जाएगा, बशर्ते आपको कोप रीअरेंजमेंट समझ में आया हो। क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। हाँ ना बोलो बेटा जी, जल्दी से बोलो बेटा जी, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट की कहानी क्या होती है? देखो आप लोगों को इसको समझने से पहले कोप रीअरेंजमेंट को बढ़िया तरीके से समझना है। देखना एक बार गेट बंद कर देता हूँ, बैकग्राउंड से आपको आवाज आएगी, सही है? चलो पहली बात यह होती है कि जो क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट होता है किसके द्वारा शो किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट होता है, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट गिवन बाय एलाइल विनाइल ईथर, गिवन बाय एलाइल विनाइल ईथर, एलाइल विनाइल ईथर के द्वारा ये रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम कहानी, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट ऑल्सो थर्मली अलाउड रीअरेंजमेंट। क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट ऑल्सो थर्मली अलाउड, सही है? बहुत बढ़िया, वही सेम कहानी, बट यहां पे देखो आप लोगों ने वहां पे क्या लिखा था कि कार्बन तीन, देखो अलाइल विनाइल ईथर क्या होता है, मैं पहले इसको बना देता हूं बेटा जी, इसको कहा जाता है अलाइल विनाइल ईथर, सही है? अब देखो ये आपका एलाइल ग्रुप है, क्योंकि डबल बॉन्ड के पास में sp3 आ गया, तो ये तो आपका एलाइल ग्रुप बन गया, ये आपका विनाइल ग्रुप बन गया, और ये आपका ईथर हो गया। दिस वन इज अलाइल ग्रुप, दिस वन इज विनाइल ग्रुप। अब यहां पर देखो कार्बन तीन और कार्बन, तो चौथा तो कोई कार्बन है नहीं, चौथा तो हेट्रोएटम ऑक्सीजन आ गया, तो आप लोग बेसिकली क्या बोलते हो कि यहां पे जो A3 और A4 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये A4 कुछ भी हो सकता है, इट मे बी ऑक्सीजन, इट मे बी नाइट्रोजन। अगर ये ऑक्सीजन हो जाएगा तो क्लेजन कोप कहलाता है, अगर ये नाइट्रोजन हो जाएगा तो एजा कोप कहलाता है। A3 एंड A4 बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक्स एंड कार्बन 1 एंड कार्बन 6 एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 6, सही है? चलो देखते हैं इस रिएक्शन को हम लोग, एग्जाम्पल फिनिश, टाटा बाय बाय फिनिश, येलो। देखो बेटा जी ये आपने क्या ले लिया, एलाइल ईथर। बेटा जी बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, खतरनाक वाली गर्मी हो रही है, सही है? ओ माय गॉड, देखो नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5
एंड 6। मान लीजिए आपने इसे नंबरिंग दी है, अब ना भी दो तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात है नहीं, सही है। यहां से दे देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप परेशान मत हो, लेकिन मुझे बस इतना सा बता दो कि इनके और इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। सो इसको मैंने एक एक नंबर नाम दे दिया, इनके और इनके बीच बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, दैट्स वाई मैंने इस नंबर को आगे बढ़ा दिया 1 2 3 1 2 3। हाँ ना बोलो बेटा जी, यहां पर क्या होगा, वही थर्मल कंडीशन दी जाएगी। थर्मल कंडीशन देने के बाद में ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर शिफ्ट, कैसे भी दिखा दो, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे इधर शिफ्ट। तो इसके और इसके बीच का बॉन्ड टूट गया, इसके और इसके बीच बॉन्ड बन गया, तो क्या बनेगा बेटा जी, ये तो बनेगा ओ। तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। यहां पर क्या हुआ है बेटा जी, यहां पर हुआ है क्लेजन कोपरी अरेंजमेंट, या आप लोग बोल सकते हो 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो ये कहानी बेटा जी होती है आप लोगों की क्लेजन कोपरी अरेंजमेंट की, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया क्या, जरा मुझे बता दीजिए दोस्तों, जरा मुझे बता दीजिए ये आप लोगों को समझ में आ गया क्या। सिंपल कहानी होती है क्लेजन कोपरी अरेंजमेंट गिवन बाय अलाइल विनाइल ईथर, एक तो आपको ये याद करना है, ये थर्मली अलाउड होती है, एक आपको ये याद करना है, और A3 और A4 के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है, और कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया है, लगे हाथ यहीं पर मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा जी एजा कोपरी अरेंजमेंट, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, लेक्चर को यहीं फिनिश करना पड़ेगा। एजा कोप री अरेंजमेंट, ओ माई गॉड, देखो गर्मी में बेसिकली क्या होता है, फ़ैन हम चला नहीं सकते, कूलर हम चला नहीं सकते, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसलिए हम लोग थोड़ी सी परेशानी उठा लेते हैं, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप लोगों का इतना सा काम है, पढ़ते रहो बस खाली, और कुछ काम नहीं है, सही है। देखो एजा बेसिकली नाइट्रोजन के लिए हम लोग यूज करते हैं, सब लोगों को पता है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन आ जाता है, तो इसकी एक वैलेंसी या तो हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई होगी या किसी एल्किल के द्वारा सेटिस्फाई होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइल विनाइल अमीन, क्या बोलेंगे बेटा जी, अलाइल विनाइल अमीन, हा ना बोलो, सेम कहानी, एकदम सेम टू सेम कहानी बेटा जी, थर्मल कंडीशन देंगे, वही क्या होगा, 3-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट होगा, 3-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट होगा, और 3-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट किस तरीके से होता है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो इसको एक और एक नाम दिया। देखो वही वही बात रिपीट हो रही है, तो जरा बता दीजिए मेरे को क्या बना, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया और इसकी एक वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन आ गया या फिर आर आ गया, इसको कहा जाता है इमीन, क्या बोलते हो बेटा जी, इमीन, IMIN। ये पूरी कहानी होती है बेटा जी 3-3 सिग्मा ट्रोपिक या सिग्मा ट्रोपिक री अरेंजमेंट की, यही कहानी होती है, जरा आप लोग ध्यान से समझना। ओह माय गॉड, देखो भाई मैंने क्या बता दिया, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट को कंप्लीटली हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, बहुत ही स्लो बताया गया है, एकदम स्लोली आपको हर एक स्टेप को समझाया गया है, कुछ टिपिकल वाली बात यहां पर है नहीं, बस यहां पे सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्या होता है वो समझना है, और सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट के अंदर जो 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट के तीन एग्जाम्पल होते हैं, कोपरी अरेंजमेंट, क्लेजन कोपरी अरेंजमेंट और ऐसा कोपरी अरेंजमेंट, वो भी मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, एक्स्ट्रा नोट्स आपको लिखने की जरूरत ना है, जितना लिखा दिया गया है मोर देन सफिशियंट है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, या हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ
3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ईमानदारी से बता दीजिए, आपको ये लेक्चर समझ में आ गया क्या? अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया तो प्लीज़ 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 रोज़ बोलना पड़ता है, इस लेक्चर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वहीं से आपको मिलती है, सही है? चलो मैं अभी आपके सामने अलविदा लेता हूँ, तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।